नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत, मैं शेखर त्रिवेदी। क्या देश में एक बार फिर विकास का एजेंडा पीछे छूट रहा है? क्या एक बार फिर आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने की साजिश हो रही है? पहले गुजरात में पटेल आंदोलन की आग भड़की, अब आंध्र प्रदेश जल रहा है। जाट और गुर्जर समुदाय का आंदोलन अतीत में हम देख चुके हैं, यह आंदोलन फिर से सिर उठाने लगा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जैसे होड़ मची हो कि खुद को कौन सबसे ज्यादा पिछड़ा दिखाए और आरक्षण हासिल कर ले। सवाल बड़ा यह कि आखिर अचानक ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? आखिर क्यों आरक्षण का जिन हर बार तभी ज्यादा खौफ पैदा करता है जब राज्यों या केंद्र में एक खास विचारधारा से जुड़ी सत्ता होती है, वो विचारधारा जो मंडल कमंडल के दौर की बड़ी स्टेक होल्डर रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर वजह कुछ और है? क्या आरक्षण के बवाल के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है या फिर भविष्य के किसी बड़े अभियान की जमीन तैयार की जा रही है? आज सियासत में इसी सवाल की पड़ताल होगी। हिंसा से किसी मुद्दे का समाधान नहीं होता, ये बात सच है, मगर उनके लिए जो इस किताबी जुमले पर यकीन करते हैं। इस जुमले पर ना तो गुजरात के पटेलों को यकीन है, न ही हरियाणा के जाटों को, न राजस्थान के गुर्जर समुदाय को, और न ही अब आंध्र प्रदेश के कापू जाति के लोगों को। इन चारों जातियों का हिंसक आंदोलन पहले से सुर्खियों में रहा है। रविवार शाम सामने आई तस्वीर इस सिलसिले का एक्सटेंशन भर है। सवाल बड़ा यह कि मांगे मनवाने के लिए इस हद तक उतरकर प्रदर्शन करना कितना जायज है? आरक्षण मांग रहे लोगों से कोई पूछेगा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि महज सियासी फायदे के लिए इन्हें मोहरा बनाया गया? आरक्षण का तो बस नाम भर है। देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। बावजूद इसके आरक्षण के नाम पर जब भी सियासत गरमाती है, हमारी सियासी जमात लफाजियां करने से बाज नहीं आती। आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय का गुस्सा भी इसी बात से भड़का है कि उनके सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव पहले आरक्षण देने का वादा सीएम बनने के बाद भी पूरा नहीं किया। एनडीए के सहयोगी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू अब सुलह की पेशकश कर रहे हैं, मगर बात शायद हाथ से निकल चुकी है। आजादी के बाद आरक्षण का कॉन्सेप्ट बाबा साहेब ने इसलिए दिया था ताकि समाज के शोषित और वंचित तबके को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, मगर जनता पार्टी के सरकार के दौरान बने मंडल आयोग की सिफारिशों ने एक नई तरह के सामाजिक संघर्ष की बुनियाद रखी। 1989 में बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार ने इन सिफारिशों को लागू भी कर दिया। नतीजा, ध्रुवीकरण तेज हुआ। आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी दो मोर्चे बन गए। इनकी काट के लिए फिर कमंडल का नारा आया। बाद मंडल कमंडल के बीच फंसी और राजनीतिक तौर पर किसे कितना फायदा हुआ, ये एक इतिहास बन गया। मौजूदा वक्त में भी गुजरात में पटेलों का आंदोलन होना एक सबक है। दिलचस्प यह है कि गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकार है। राजस्थान में तमाम विरोधों के बाद भी अगड़ों को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया गया, वहां भी बीजेपी की ही सरकार है। वो बीजेपी जो हमेशा आरक्षण को लेकर दूसरे पक्ष में खड़ी रही है। अब सवाल यह है कि एक खास राजनीतिक विचारधारा के सत्ता के शीर्ष में आने के दौरान ही इस तरह के आंदोलनों को और हवा मिलती है, क्या इनकी खाद पानी का कोई सियासी रिश्ता भी है? बिहार चुनाव के पहले मोहन भागवत का बयान, आरक्षण पर पुनर्विचार और चर्चा के पक्ष में दिया गया सुमित्रा महाजन का बयान, क्या ये सब भविष्य में किसी बड़े अभियान का संकेत है? मगर इवैल्यूएशन कब करेंगे? पार्लियामेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? और अगर हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोजेक्ट में कुछ कमी है,
जिसके कारण हमें यह 10 साल बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? देश की सियासत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर दिए गए हर बयान पर विवाद तय है, और जाहिर है जब विवाद होता है तो राजनीतिक तौर पर खेमेबंदी की जमीन भी तैयार होती है। देश में मौजूदा वक्त में आरक्षण को लेकर तैयार हो रहा माहौल इसी की शुरुआत जैसा लगता है, जिसमें एक बार फिर सवालों को घेरे में वही खास विचारधारा है जिसके साथ जनता पार्टी से लेकर वीपी सिंह के दौर तक का इतिहास जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, वाराणसी से समाजशास्त्री प्रोफेसर रवि प्रकाश पांडे जी, और लखनऊ से पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, लंबे समय तक देश में आपका शासन रहा है। मैं शुरुआत इस चर्चा की आपसे करूंगा, क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है कि वाकई जो आरक्षण की हमारे यहाँ व्यवस्था है उस पर एक चर्चा होनी चाहिए, संसद में इस पर बहस होनी चाहिए? समीक्षा का वक्त है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो भी बहुत क्लियर है, और माननीय सोनिया गांधी जी ने संसद के पटल पर जो अपना वक्तव्य दिया था वो भी बहुत क्लियर है। दोनों ही चीजें ये कहती हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को तो चलते ही रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आर्थिक आधार पर या तमाम कोई आधार इस तरह का डिस्कशन का बनता है कि बाकी लोगों को भी, जो गरीब लोग हैं, अगड़ों में भी जो पिछड़े लोग हैं, उनको अगर कहीं पर एडजस्ट किया जा सकता है तो वो अवश्य होना चाहिए, और यही कांग्रेस पार्टी का अपना आधिकारिक स्टैंड है। ठीक है, हम अब चलते हैं लखनऊ और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे जी से जानते हैं। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आलोक जी ने कहा कि इनकी पार्टी का स्टैंड भी है और साथ साथ इन्होंने अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का भी हवाला दिया है, उस बात का भी उल्लेख किया है जो अपनी तरह से इस देश को एक मैसेज देता है या पॉलिटिकल पार्टी इसको एक मैसेज देता है। आपको लगता है कि वाकई कुछ समय के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए या यही वक्त है जब समीक्षा कर ली जाए? आखिर ये आग कब तक जलती रहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि इस बात को जब इतनी बातें आरक्षण के बारे में, जब से आरक्षण की नीति लागू हुई कम से कम मंडल के बाद से, तो ये जो आरक्षण का जो पूरा का मामला है वो पूरा एक राजनीतिक मामला हो गया। तो जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को और या कुछ लोगों को राजनीति चमकानी होती है तो इस आरक्षण के मामले को किसी न किसी रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जहाँ तक कानूनी स्थिति है, जो संवैधानिक स्थिति है, संविधान में ठीक है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी नौकरियों में और सेवाओं में और कामों में। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बाकी पिछड़े लोगों को एक इनेबलिंग क्लाज बना दिया कि पिछड़े लोगों को अगर आरक्षण देना तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको आरक्षण दे सकती है। अब यहीं से सारी राजनीति शुरू हो गई। इस राजनीति के शुरू होने का परिणाम ये हुआ कि जिन देखिए सारा जो दिक्कतें क्या हो रही हैं कि जिनको आरक्षण मिला अनुसूचित जाति को, तो उसमें अनुसूचित जात वालों के में जो संपन्न लोग हैं उसका ज़्यादा फायदा उठा ले रहे हैं। ठीक, बैकवर्ड में कुछ खास आगे जो जातियां हैं उसका फायदा वो उठा ले रही हैं। जो अनरिजर्व है, जो बड़ी जातियां हैं जिनको आप कहते थे फॉरवर्ड कास्ट, उनके लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक, अब पिछड़े जाति जो सामान्य जातियां हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, उसमें एक भी व्यक्ति को आरक्षण के नाम पर नौकरी नहीं मिल सकती, जबकि पिछड़े जात में उन्हीं के बराबर, मान लीजिए कोई सा पिछड़ा बहुत धनी है उसको पिछड़े होने के नाते नौकरी मिल रही है। ठीक है, कोई दलित है वो बहुत धनी है लेकिन दलित होने के नाते उसे नौकरी मिल रही है। तो जो अगड़े जातियां हैं इनको ये परेशानी हो रही है कि भाई हमसे धनी है वो आदमी, फिर हमको नौकरी नहीं मिले, उसको क्यों मिल रही है? उसकी पढ़ाई भी अच्छी स्कूल में हो रही है, अच्छे विदेश में भी पढ़ रहा है और आके यहाँ आरक्षण में नौकरी ले रहा है, ये परेशानी। ये कहते हैं कि कम से कम ये आप व्यवस्था करिए कि जो अगड़ी जात में गरीब लोग हैं उनको तो आप ठीक है, यानी ये स्थिति एक ऐसी जगह पर आकर के आपकी तरफ से टिक रही है पांडे जी, जहां पर आर्थिक आधार का विश्लेषण जरूरी है। अब हम चलते हैं, हमारे साथ वाराणसी से समाजशास्त्री प्रोफेसर रवि प्रकाश पांडे जी हैं। रवि प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा
कि ये जो समाज का अपने ताना बना, देखिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी हम लोगों ने पढ़ा है, हमारी पीढ़ी भी पढ़ती आएगी साहब, ये 10 साल के लिए था और उसके बाद इसको पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ाती चली गई, और उस समय संविधान निर्माताओं को ये उम्मीद थी कि 10 साल में ये जो अलग अलग स्थितियां हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन 60-70 साल के बाद भी अगर कोई चीज खत्म नहीं हो रही है बल्कि अलग अलग तरीके से वो उपज रही है, आज मान लीजिए आर्थिक आधार है, कल को हो सकता है कि कोई कहे कि साहब ये लोग फैशनेबल बहुत ज्यादा हैं, हमें भी आरक्षण चाहिए क्योंकि हम उतने फैशनेबल नहीं हो पाए, समय बदलेगा चीजें बदल जाएंगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये चीज कहीं जाकर के ठहरेगी, किसी जगह पर इसकी समीक्षा होगी, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रह जाएगा? एक बड़ा स्पष्ट है आपका प्रश्न जो है, उसके जवाब देने के पहले एक बिंदु है, ये जो अगड़ी पिछड़ी सवर्ण बैकवर्ड SC ये सारे शब्द एक ऐसे संदर्भ में गढ़े गए जो संदर्भ 1950 के बाद से बदल गया है। आज ये जिस जाति व्यवस्था में सवर्ण OBC SC तीन ये वर्ग बने, इन जातियों को वर्ग का रूप दिया गया, जाति को क्लास बना दिया गया, और क्लास बना के उनसे पावर गेन का जो एक षड्यंत्र चला, ये भी इसका एक बड़ा कारण है। और ये किसी नतीजे तक आरक्षण के दर्शन को, आरक्षण के लक्ष्य को पहुंचने में बहुत ही गतिरोध पैदा कर रहा है, क्योंकि आरक्षण का जो लक्ष्य था वो राष्ट्र की मुख्य धारा से वंचित जो है उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना था। आज आप देखें 1950 के बाद से जब संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई, कितने प्रतिशत भारतीय जनता, चाहे वो ग्रामीण हो या नगरी हो, वो ये सवर्ण और बैकवर्ड शब्द के आधार पर उनकी जीवन शैली चल रही है, इसको भी देखना चाहिए। जिस आधार पर मनुस्मृति और इन तमाम स्मृतियों की चर्चा करके सवर्ण बैकवर्ड परिभाषित किया जाता है, पूछ लीजिए कि क्या भारतीय समाज में कोई ऐसा है जो मनुस्मृति देखा है, पढ़ा है या पढ़ रहा है? जब वो चीजें रेलिवेंट नहीं है, उसके आधार पर ही आज भी उसी को परिभाषित करके जातियों को वर्ग के रूप में परिवर्तित करके पावर स्ट्रक्चर गेन करने का जो एक अभियान चला है, इस अभियान में मूल आरक्षण का जो उद्देश्य था वो हाशिए पर चला गया है। आप कह रहे हैं कि मूल आरक्षण का उद्देश्य भटक गया है और जो पावर गेम है वो इस पर हावी है। आलोक जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप पोलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, अभी बिहार में चुनाव हुए, लालू यादव, नीतीश कुमार, हम ही पा रहे हैं कि ये बात तो सच है कि जो इसका उद्देश्य था उस जगह पर ये कायम नहीं है। अगर होता तो साहब 60-70 साल बहुत होते हैं किसी चीज के लिए, हो जाता जो होना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब हमने भी देखा, हमारी पीढ़ी भी देख रही है कि केवल ये डरा करके, अब लालू प्रसाद यादव जी को कौन कहेगा कि वो पिछड़ों के नेता हो सकते हैं, लेकिन कौन कहेगा कि वो पिछड़े हैं या उनके परिवार में कोई पिछड़ा मतलब पिछड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, या रामविलास पासवान जी हैं, उनको कौन कहेगा कि पिछड़ा हुआ है? इसी तरीके से हर पार्टी में लोग हैं, मुलायम सिंह के परिवार को कौन कहेगा कि वो पिछड़े हुए हैं? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स अपनी सियासत ही तो चला रहे हैं सर, पब्लिक कहां है इसमें? देखिए, दो चीजें हैं आपके विषय जो आपने प्रश्न किया, उसका पहला विषय है कि भी क्या वास्तव में 60-70 साल में हम पूरी तरह से उस जो हम लक्ष्य लेकर चले उसको हम अचीव कर पाए कि नहीं। स्वाभाविक है कि उसको हम अचीव करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां इस तरह की रही हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें थी कि जो लोग एक बार आगे बढ़े वही उसका फायदा ज्यादा उठाते चले गए, और जो पिछड़े बहुत ज्यादा जो पिछड़े लोग रहे उनको शायद उतना फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन इसके आधार पर आप के भी कुछ ही लोग फायदा उठा रहे हैं, बाकी लोगों के भी हित को हम काट दें, ये संभव नहीं है, पहली चीज। आपने फिर कुछ उदाहरण दिए चुनिंदा उदाहरण के साथ, उनका परिवार, उनका हर पार्टी में है जी, कुछ मैंने रख दिया, बात पार्टी से संबंधित नहीं है, मैं पार्टी पे लेके भी नहीं जा रहा हूं उसको, मैं केवल ये कह रहा हूं कि कुछ चुनिंदा परिवार अगर कुछ वर्गों में बहुत आगे निकल गए हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि हम उस पूरे वर्ग को बाहर कर दें। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात है, या जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने जो अपना एक रिजर्वेशन का फार्मूला दिया, उसमें कहीं ना कहीं कास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ज्यादा क्या, ज्यादा ही मेन इंपॉर्टेंस कास्ट को ही दी गई, उसी के आधार पर जो वो व्यवस्था थी रिजर्वेशन की वो चलती चली आई, उसमें हो सकता है कुछ लोग आगे चले गए हों। लेकिन आज भी अगर हम देहात में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं
जो अगड़े जो जातियां हैं उनमें पिछड़े भी हैं और जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें अगड़े भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये आता है कि जो व्यवस्था चल रही है वो अगर अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाई है उस व्यवस्था को तो अभी चलने दिया जाए, लेकिन साथ के साथ जो अगड़े लोग भी हैं और उनमें आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने के लिए कोई ना कोई कदम उठना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा त्रिवेदी साहब कि भारतीय जनता पार्टी जब भी केंद्र में सत्ता में आती है या जहां जहां राज्यों में आते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं वहां पर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। आप देखिए किस तरह से गुजरात के अंदर पटेल समुदाय सबसे आगे है, मुख्यमंत्री पटेल हैं, उसके बावजूद पटेल समाज रिजर्वेशन मांग रहा है। स्वयं चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो कापू है, वहां पर भी बीजेपी कोएलिशन पार्टनर है और कापू ही रिजर्वेशन मांग रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वसुंधरा जी का समय देखिएगा, वो गुजर समुदाय के बहू रही हैं या बेटी रही हैं किस तरह से क्या है, लेकिन वहां पर गुजर समुदाय ने किस तरह से किया। ओबीसी का रिजर्वेशन जब था, वैसे तो बीजेपी कहती है कि साहब रिजर्वेशन की जड़ जो है कांग्रेस है और तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वीपी सिंह जी जब ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर आए तो ओबीसी मंडल कमीशन को किसने पास करवाया? बीजेपी ने करवाया, क्योंकि वीपी सिंह जी की सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? बीजेपी दे रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो रिजर्वेशन के जिन्न को बाहर निकालकर समाज में एक वैपरिस्य और बदलाव और अलगाव पैदा करने का अपना पूरा पूरा प्रयास करती है, ये दुखद है। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, सीबी पांडे जी लखनऊ चल रहे हैं, हम आज दो दो पांडे जी हो गए हमारे साथ। सीबी पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आलोक जी ने इस बात को रखा कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वो भी रहे और साथ में कुछ नया और जुड़ जाए तो इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी चीजों को खत्म ना किया जाए क्योंकि वो लक्ष्य नहीं पा पाई है। तो ईमानदारी किसमें है कि मतलब पुरानी चीजों की समीक्षा कर लीजिए, जो खत्म करना है वो खत्म कर दीजिए, या उसको जारी रखते हुए नया कुछ और जोड़ दीजिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये जो कहा जा रहा ना, कांग्रेस पार्टी ने सारी चीजों को बड़ा कॉम्प्लिकेट किया। अब मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आरक्षण को कॉम्प्लिकेट करने के लिए जिम्मेदार है। अब कैसे पुरानी व्यवस्था चलाया गया? आज जो नौजवानों का जो आक्रोश है, उनका जो गुस्सा है, उसका कारण समझने की जरूरत है। उनका इसलिए गुस्सा है कि अगड़े वर्ग का गरीब नौजवान आरक्षण नहीं पा रहा है, नौकरी नहीं पा रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग का अमीर नौकरी पा रहा है, अनुसूचित जाति का अमीर नौकरी पा रहा है। तो उसको ये गुस्सा है कि अगर पिछड़े वर्ग का गरीब नौकरी पाता, अगर अनुसूचित जात का गरीब नौकरी पाता तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो भी गरीब है, समझ रहा है, पिछड़ा भी गरीब है और अनुसूचित जात भी गरीब है। दिक्कत तो उसको इसलिए हो रही है कि हम अगड़े जात के हैं और मेरी स्थिति बहुत ही गरीब है, बड़ी मुश्किल से हम पढ़ लिख पा रहे हैं, फिर भी हमको कोई जगह नहीं मिली आरक्षण की। और जबकि जैसे आपने कहा कि मुलायम सिंह के लड़के को और उनके लड़के को और मायावती के लड़की लड़के को मिल जाएगा, तो ये यूथ को आप इसीलिए उसको आक्रोश होता है, उसको आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते। तो इसलिए यूथ का जो गुस्सा है वो इस बात का है कि हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप ऐसा करिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं होगी, अगर आप पिछड़े में गरीब को कर दीजिए, अगड़े दलितों में गरीब को कर दीजिए और अगड़े में गरीब कर दीजिए, देखिए पारे सारे गुस्से समाप्त हो जाएंगे। ये करेंगे नहीं, पूछे करे वो, ठीक है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ, कंगन को आरसी क्या? आलोक जी नहीं करेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस ठीक है सर, मैंने पॉइंट ले लिया आपका। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ऐसे वादे क्यों करती हैं जो दरअसल बजाय आगे बढ़ने के पीछे की तरफ ढकेलती हैं? जैसे टीडीपी का, हमें पता है कि उन्होंने कापू समुदाय को आरक्षण देने की मांग की, राजस्थान का आपने जिक्र किया, इसी तरीके से सलमान खुर्शीद साहब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था उन्होंने कहा मुसलमानों को 5% आरक्षण। तो आप क्यों इस तरीके के चीजों को मैनिफेस्टो में रखते हैं जो बाद में आपके ही गले की फांस बन जाते हैं? देखिए, दो विषय हैं इसके अंदर, एक तो मैनिफेस्टो में रखना और आधिकारिक तौर पर उस चीज का बयान देना, एक होता है कि किसी नेता ने कहीं अपने सभा में या कहीं मंच पर कोई बात कह दी, दोनों चीजों में फर्क है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अगड़े हैं और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको किस तरह से आगे लाया जा सकता है रिजर्वेशन के माध्यम से, इस पर एक बहस और चर्चा होनी चाहिए, हम अपने स्टैंड पर क्लियर हैं। ठीक, लेकिन आप देखिए किस तरह से चंद्रबाबू नायडू साहब ने 2 साल पहले पूरी तरह से कहा कि हम कापू समुदाय को रिजर्वेशन में भी लेंगे, 5,000 करोड़ का वो जीत सकते थे ना। आपने आप जो अपनी जो आपने अपनी चीज कलम तैयार, पार्टी ने कभी भी इस तरह के रिजर्वेशन को मैनिफेस्टो में नहीं रखा जिस तरह का बीजेपी और कापू समुदाय के लिए
वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने रखा। आप तीन मैनिफेस्टो उठा लीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी का, बीजेपी का और वाईएसआर। नहीं, ये बात तो सही तीनों है ना, तीनों ने ही कहा कि पॉलिटिकल समुदाय को नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज वादे, ठीक है आपके शब्द अलग है, उनके शब्द अलग है, उनका एजेंडा अलग है, आपका एजेंडा, लेकिन आपको लगता है कि आप इस धारा से जीत सकते हो, आप वो बात करते हो, उनको लगा वो जीत सकते हैं, वो जीत गए, तो अब आग तो लगेगी साहब। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर मैनिफेस्टो में खत्म भी तो नहीं किया सर, मैनिफेस्टो नहीं रखा तो खत्म भी तो नहीं किया साहब। खत्म करने की जहां तक बात है, उसमें एक विवेचना की बात हमेशा से आती रही है कि खत्म कैसे किया जा सकता है, लेकिन उस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ना। बीजेपी कह तो रही है कि समीक्षा कर लीजिए। अरे भाई, मोदी बीजेपी ने नहीं कहा, मोदी साहब ने तो साहब अभी भी कहा, स्पीकर कह रही है उनकी, बिहार चुनाव में मोदी साहब ने क्या कहा, लोकसभा स्पीकर का बयान है, लोकसभा स्पीकर जो है वो किसी पार्टी से नहीं रहती, इसीलिए मैं कह रहा हूं है वो बीजेपी की नहीं है, वो उनके निजी राय हो सकती है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने तो एक घंटे के बाद आकर उनकी राय का खंडन कर दिया, तो आज हम स्पीकर महोदय की राय को बीजेपी की राय कैसे मान ले। बीजेपी की राय तो ये है कि मोदी साहब ने बिहार में जाकर कहा कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन रिजर्वेशन रहना चाहिए। बीजेपी की तो राय ये है, रिजर्वेशन रहना चाहिए, लेकिन किस रूप में रहना चाहिए ये एक अलग विषय। नहीं नहीं, नहीं, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है उसको बनाए रखने के लिए मैं अपनी जान भी। रवि प्रकाश जी, मैं बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या ये पूरी जो सामाजिक संरचना है अपनी, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से आरक्षण अगला पिछला नया जोड़ते घटाते कोई खत्म करना चाहेगा, या ये एक ऐसा गरम तवा है जिस पर हमेशा से रोटियां निकलती रहेंगी, ये मतलब अनलिमिटेड भंडारा है, ये चलता रहेगा? ये अनलिमिटेड भंडारा है और पॉलिटिकल पार्टी का एक लक्ष्य कि हाउ टू गेन द पावर, और जब तक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं देखेंगी कि यही स्थिति आज के 500 वर्ष पहले थी और विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में भारत विभक्त था 15वीं शताब्दी से लेके और 1947 का जो आप इतिहास देख ले, अगर उससे सबक नहीं लेंगे और राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर सामाजिक संगठन और समरसता की ओर हम नहीं बढ़ेंगे और विभिन्न जातियों के आधार पर आरक्षण के नाम पर बांट के शक्ति और सत्ता हासिल करने की जब तक मुहिम जारी रहेगी ये समस्या खड़ी रहेगी। और हमारा आज के संदर्भ में एक विशेष अनुरोध यही है कि कम से कम राजनीतिक पार्टियां सत्ता के संदर्भ में जो चाहे रणनीति अपनाएं, ये जरूर समझें कि राष्ट्र रहेगा तभी राजनीतिक पार्टी रहेगी, और राष्ट्र की एकता के लिए जो संगठन की आवश्यकता है, और वो संगठन जो मानवीय चेतना से उत्पन्न होगा, सामाजिक समरसता से उत्पन्न होगा, उसके लिए सभी जातियों को समान भाव से देखने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। रवि प्रकाश जी, आपकी बात मैं यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की चर्चा में बहुत साफ जो बात निकल करके आती है कि यह आरक्षण या वोट की लड़ाई, इस पूरी चर्चा में आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा कि आरक्षण तो देखिए एक गरम तवा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और जैसे कोई भंडारा होता है ना, वहां रोटियों पे रोटियां सेकी जा रही हैं, वो कभी नहीं खत्म होगा। अगर यही स्थिति बनी रही तो जरूरी यह है कि अगर नए सिरे से कुछ सोचना है तो क्यों ना नए लोगों को भी आगे रख दिया जाए, मतलब जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर 125 करोड़ का हिंदुस्तान इस बात पर तैयार हो तो फिर वो इनको भी अलग कर दे, कहते जाओ तुम आरक्षण के साथ, हमें हमारा रास्ता पकड़ने दो। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे चूंकि देश लोकतांत्रिक है, इसलिए चुनी हुई सरकारें ही उस व्यवस्था को कर सकती हैं, लिहाजा हम जिनको चुने उनके भीतर ये गुण पहले से हमको टटोलना अब जरूरी होगा, क्योंकि जरूरतें बदल रही हैं, समय बहुत निकल चुका है, लिहाजा इस बात को समझना जरूरी है कि ये अनलिमिटेड भंडारा, कभी ना खत्म होने वाला भंडारा, ऐसा नहीं चलेगा और ना चाहिए। वोटों की लड़ाई अपनी जगह पर है, कुछ और मुद्दे लाई। नमस्कार।